हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका टीचमी क्लाउड के यूट्यूब चैनल पे। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। सो गाइस, आज जो हम बात करने वाले हैं वो अपने वीएमवेयर ईएसएक्सआई 6.5 के वीडियो सीरीज़ में एक अदर वीडियो देने वाले हैं आपको। ये 12th क्लास है, ये 12th सेशन है, और इस सेशन में हम आपको डिस्क्राइब करने वाले हैं एक और इम्पॉर्टेंट सर्विस, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे आप अपने डोमेन कंट्रोलर को, जो भी एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर आपने इन्वायरमेंट में इस्टेब्लिश किया है, कैसे आप ईएसएक्सआई के साथ जोड़ते हैं, क्या बेनिफिट होते हैं, या ईएसएक्सआई को डोमेन से जोड़ना क्यों इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरा का पूरा एजेंडा है आज की क्लास का, और हम डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल पार्ट दोनों साथ ही साथ। गाइज, अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं या पहली बार हमारे चैनल पे विजिट किए हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जितनी भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगी डेली बेसिस पे, वो आपको नोटिफिकेशन में आ जाएगी। साथ ही साथ आप अदर टेक्नोलॉजी भी इसमें लर्न कर सकते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, AWS, इवन हमने सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की भी वीडियो सीरीज स्टार्ट कर दी है। तो गाइज, चलते हैं अपने पास डायरेक्टली ESXi के होस्ट पे और चेक करते हैं कि क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा हमें अगर हम अपने डोमेन कंट्रोलर को ऐड करते हैं। तो गाइज, सबसे पहले तो बेसिक फंडा क्लियर कर लेते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है या इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो एक छोटा सा डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अपने इस इन्वायरमेंट में ना 2 से 3 ESXi आपने लगा रखा है, ठीक है। ये अपने पास ESXi होस्ट हैं, और यू नो दैट कि ESXi होस्ट की एक IP एड्रेस होती है। तो इसमें से पहले मान लेते हैं ESXi होस्ट 1, दूसरे अपने पास ESXi होस्ट 2, ठीक है ना, एंड ESXi होस्ट 3, ठीक है। तीन का एग्जांपल लेकर चलते हैं। एंड एक डोमेन कंट्रोलर होना ज़रूरी है, डोमेन इन द सेंस जो भी आपने एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर इंस्टॉल कर रखा है। ये अपने पास एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर हो गया, और इस सर्वर का नाम एक छोटा सा एग्जांपल मान लेते हैं, हमने इसको दिया है india.com। तो गाइस, सबसे पहले इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो ये सभी मशीनें एक ही स्विच से कनेक्टेड हैं। ये अपने पास फिजिकल स्विच है, ESXi 1, ESXi 2, ESXi 3, तीनों ही ESXi होस्ट आपके किससे कनेक्टेड है, सेम स्विच से, और स्विच आपका किससे कनेक्टेड है, आपके डोमेन मशीन से यानी सर्वर से, ठीक है। ये अपने पास एजेंडा है। हर एक सिस्टम की अपनी पर्सनल IP एड्रेस है। मान लेते हैं यहाँ पर 192.168.0.112, इसकी भी एक IP एड्रेस है, सेम एज इट इज़ अपने पास सर्वर की एक IP एड्रेस है 192.168.0.100 मान लेते हैं, ये अपने पास डोमेन की IP हो गई, ठीक है। इसकी 150 मान लेते हैं, इसकी 160 मान लेते हैं, ठीक है। तो पहले क्लियर कर लेते हैं कि इंपॉर्टेंट क्या है, डोमेन को ऐड करने की ज़रूरत क्यों। तो बिल्कुल क्लियर एंड कट की बात करें, बिल्कुल बेस की बात करें, तो चार वो रीजन है जिसकी वजह से हम अपने डोमेन कंट्रोलर को ESXi एनवायरनमेंट से जोड़ते हैं। जो पहला इंपॉर्टेंट रीजन है वो है नेम रेजोल्यूशन। तो गाइस, थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि नेम रेजोल्यूशन का मतलब यहाँ पे हो रहा है DNS की बात, ठीक है ना, कि आप अपने जो ESXi होस्ट हैं, अभी तक हम ESXi होस्ट को किससे लॉगिन करते थे, एक्सेस करते थे IP एड्रेस के थ्रू। बट गाइस, अगर IP एड्रेस मल्टीपल ESXi होस्ट हैं तो IP एड्रेस याद रखना थोड़ा सा टफ हो जाता है, या मे बी IP एड्रेस चेंज हो गई तो वो फिर यू आर अनेबल टू एक्सेस, ये भी हो सकता है। लेकिन गाइस, अगर आप अपने इस ESXi का नेम कन्वर्जन कर रखे हैं या डोमेन इन्वायरमेंट में इंस्टॉल कर रखे हैं, तो वो जो IP है एक नेम में कन्वर्ट हो जाएगी, नेम IP में कन्वर्ट हो जाएगा एज पर द थ्योरी ऑफ अवर DNS सर्वर। तो पहला जो रीज़न है वो नेम कन्वर्जन के लिए या नेम रेजोल्यूशन के लिए। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो NTP सर्वर के लिए, नॉट NTP सर्वर, आप बोल सकते हो NTP सर्विस के लिए। NTP क्या होता है, आपके टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड रहता है, ठीक है। NTP का जो प्रोटोकॉल है वो बेसिकली फिज्मो रोल की बात करें तो फिज्मो रोल के अंदर एक फिज्मो रोल में एक पार्ट है जिसमें हम जिसका काम है NTP सर्वर को कंटेन करना। सो NTP के थ्रू क्या होता है कि आपका जो भी वर्चुअल मशीन आपकी ESXi में रन करेंगी, जो भी आपकी ESXi की वर्चुअल मशीन की IP के जो वर्चुअल मशीन की टाइमिंग होगी, उनको मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे डोमेन india.com की हो जाएगी। तीसरा और इम्पॉर्टेंट, यूजर्स एंड परमिशन, ठीक है ना, यूजर्स एंड परमिशन। हम बेसिकली इसका इस्तेमाल यूज़र और परमिशन के लिए भी करते हैं कि आप अपने डोमेन के यूज़र को, जिस तरीके से हम Windows 7 या Windows 10 ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्क ग्रुप से डोमेन में कन्वर्ट कर लेते हैं, और अपने डोमेन से यूज़र क्रिएट करके अपने विंडोज़ क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने डोमेन यूज़र से लॉगिन कराते हैं, एज इट इज़ इसी तरीके से ESXi को आपको रूट से एक्सेस करना है। तो रूट जो है एडमिनिस्ट्रेटर के लिए एक्सेस करेगा, बाकी जो इंजीनियर्स हैं उनके लिए आप
सेपरेट यूजर बना सकते हैं और उस यूजर को अपने अकॉर्डिंग परमिशन प्रोवाइड कर सकते हैं। थर्ड फोर्थ फोर्थ जो इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, अगर आप अपने एनवायरनमेंट में वी सेंटर प्लान कर रहे हैं, ठीक है ना, वी सेंटर सर्वर इंस्टॉल करना है, तो विदाउट डोमेन कंट्रोलर, विदाउट नेम रेजोल्यूशन पॉसिबल नहीं है कि आप अपने एनवायरनमेंट में वी सेंटर सर्वर को इंस्टॉल कर पाओ। तो हम यहाँ पे अगला टॉपिक कर लेते हैं, वी सेंटर सर्वर इंस्टॉलेशन। ठीक है, तो ये चार पॉइंट है, इन चार इंपॉर्टेंट पॉइंट के लिए हम अपने एनवायरनमेंट के अंदर क्या करते हैं, डोमेन कंट्रोलर को इंस्टॉल करते हैं और अपने ESXi होस्ट को कनेक्ट कराने का काम करते हैं। तो गाइज उम्मीद है कि ये चारों पॉइंट आपके क्लियर रहेंगे। अब आपसे कभी भी कोई भी क्वेश्चन पुटअप होता है कि कोई इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पुटअप करता है कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट ऑफ डोमेन कंट्रोलर इन आवर वर्चुअलाइजेशन, तो आप सिंपल सा उसको आइडिया दे देंगे कि अपने पास नेम रेजोल्यूशन के लिए, एंटीवी सर्विस को मैनेज करने के लिए, यूजर और परमिशन को मैनेज करने के लिए और वी सेंटर सर्वर को इंस्टॉल करने के लिए हमें एक एनवायरनमेंट में डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल करना इंपॉर्टेंट है। तो गाइज हमने अपना पूरा सेटअप बना रखा है आपको प्रैक्टिकल लाइव दिखाने के लिए कि कैसे इस्टेब्लिश करते हैं। तो डायरेक्टली चलते हैं प्रैक्टिकल पार्ट पे। ये ESXi होस्ट है जो हमने एक्सेस किया है, राइट। एंड अगर हम डोमेन कंट्रोलर की बात करें तो ये अपने पास डोमेन मशीन है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें रेडी हैं अपने पास, दोनों इन्वायरमेंट, दोनों सेटअप अपना रेडी है। हम प्रोसीड करते हैं इनको कन्वर्ट करने के लिए। तो कन्वर्ट करने के लिए जो सबसे बेस्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है कि हमें सबसे पहले ESXi होस्ट ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। ये अपने पास ESXi होस्ट है और इसको हम क्या करते हैं, अपने DCUI डायरेक्ट कंसोल यूजर इंटरफेस के थ्रू इसको कनेक्ट करा लेते हैं। ठीक है, इसमें हम लाइब्रेरी में चलते हैं और ये अपने पास ESXi होस्ट है। हमें इसकी सेटिंग में जाना है और सेटिंग में जाकर के इसकी आईपी एड्रेस में चेंजेस करने हैं। ये आईपी एड्रेस में जाकर के अपने डोमेन मशीन की नेम आईपी को मेंशन कर देना है। तो गाइस सबसे पहले हम देख लेते हैं डोमेन कंट्रोलर अपने पास जो है उसकी आईपी एड्रेस क्या है, कंफर्म कर लेते हैं। ncpa.cpl करते हैं, ओके। प्रॉपर्टीज में चलते हैं और यहाँ पे 100 दिया है हमने आईपी एड्रेस। अभी इसको नेम रिजॉल्व कर लेते हैं, डिसेबल करके इनेबल कर देते हैं। 192.168.1.0.100 हमारी आईपी एड्रेस है डोमेन मशीन की। हम इसको कनेक्ट कराएंगे अपने ESXi होस्ट से। india.com के नाम से डोमेन आ गया और भी वेरिफिकेशन कर लेते हैं इसमें कि अपना जो डोमेन है, जो एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर है, वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड कंप्यूटर्स पे जाएंगे और एक बार चेक कर लेंगे कि india.com प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं। तो गाइज यहाँ पे अपने पास india.com है अवेलेबल, ऑलरेडी हमने कुछ यूजर्स भी क्रिएट कर रखे हैं लाइक एज अ ट्रेनिंग। और यूजर वाले पैनल पे जाते हैं तो हमें टेस्ट, सॉरी ये तो ग्रुप है, फिर भी हमारा जो एक्टिव डायरेक्टरी है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। आईपी एड्रेस वेरीफाई हो गई है इसकी और यूजर हमने कंफर्म भी कर लिया कि हमारा जो सिस्टम है वो डोमेन में है और वर्क भी कर रहा है 0.100। अब आप चाहेंगे सिस्टम पे, ये तो GUI पार्ट है बट हमें इसको CLI में जाकर पहले अपने सिस्टम की AD की एक्टिव डायरेक्टरी की आईपी एड्रेस को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो हमें थोड़ा सा इसको रिस्टार्ट करना पड़ेगा, एक बार रिस्टार्ट कर देते हैं सिस्टम को, ESXi होस्ट को। यहाँ पे हमने डोमेन की आईपी को कंफर्म किया है, india.com की जो आईपी है यहाँ पे 192.168.0.100 है। गाइज आपको इस आईपी को एक अपने ESXi होस्ट में कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। आप इस विजार्ड में आ जाएंगे, DCUI विजार्ड में आ जाएंगे और F2 प्रेस करेंगे। F2 प्रेस करने के बाद जो भी आपका रूट का पासवर्ड है ना, आप इस पर लॉगिन करा लेंगे। लॉगिन कराने के बाद ये आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन का पेज ओपन करके देगा और हमें जो डोमेन की आईपी है उसको यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर देना है। तो कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें नेटवर्क सेटिंग पे, आप इसमें मैनुअल आईपी कॉन्फ़िगर करेंगे। सबसे पहले नेटवर्क सेटिंग पे गए और IPv4 है, DNS कॉन्फ़िगरेशन है, कस्टम DNS है। तो आप सबसे पहले तो यहाँ पे DNS कॉन्फ़िगर कर लो। DNS में जो आपको आईपी मेंशन करनी पड़ेगी वो आपको मेंशन करनी है
जो आपका डोमेन नेम है। तो 192.168.0.100 हमारा डोमेन की आईपी है। IPv6 कुछ भी नहीं मेंशन करना है। होस्ट नेम में जो नेम आपको चाहिए, ESXi होस्ट 1 हम यहाँ पे नाम देते रहे, ठीक है, जो नेम रिजॉल्व करना चाहते हैं वो नेम आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो गाइज आप IPv6 सॉरी नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन में गए, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन में जाके DNS सेटिंग ओपन की और DNS सेटिंग में आपने क्या किया, फॉलोइंग होस्ट नेम एंड डोमेन की IP को मेंशन करके एंटर कर दिया। कस्टम की बात करें, कस्टम DNS में तो आपके पास डिटेल अभी जो आ रही है वो आपके डोमेन की आ रही है, डोमेन इन द सेंस वाईफाई रूटर की आ रही है, बट अगर आप इसको बदलना चाहते हैं तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं india.esxi host1, ठीक है ना, ये हमने india.esxi host1 एंटर कर दिया। लास्ट सेटिंग अपने पास बची है, IPv4 सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे जो IP एड्रेस है ना इसको आप मैनुअल कर दें, या नहीं भी करते हैं तब भी कोई इशू नहीं है, आप एंटर करके ओके कर देंगे, बट ये जो सेटिंग आपने की है इसको आप सेव कर देंगे स्किप करके। यस वी वांट टू सेव इट, डन, एवरीथिंग इज ओके, यहाँ की सेटिंग ओके हो गई। अब आपको क्या करना है, एक बार रीस्टार्ट नेटवर्क मैनेजमेंट सेटिंग कर देना है, F11 टू रिफ्रेश द एनवायरनमेंट। एवरीथिंग इज ओके, यहाँ पे सब कुछ ठीक है, वी जस्ट नीड टू ओपन अवर GUI पैनल, हम यहाँ पे GUI पैनल ओपन कर लेते हैं। सेम IP से जो भी आपका ESXi की IP एड्रेस है उससे आप ओपन करा लेंगे। तो 192.168.0.112 ये अपने पास ESXi होस्ट की IP एड्रेस है। रूट और आपका जो भी पासवर्ड आपने मेंशन किया उसके थ्रू आप लॉग इन करा लेंगे GUI पैनल को। डन, अपने पास india.com के नाम से डोमेन है जिसकी आईपी एड्रेस 100 है, हमने उस 100 आईपी एड्रेस को अपने सिस्टम के साथ कॉन्फ़िगर कर दिया है, मीन्स अपने ESXi के साथ कॉन्फ़िगर कर दिया है। अब आपको मेन जो पैनल दिखाई पड़ रहा है होस्ट का दिखाई पड़ रहा है, उसके नीचे मैनेज है, आप मैनेज पे क्लिक कर देंगे और मैनेज पे क्लिक करने के बाद सबसे लास्ट में ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है सिक्योरिटी एंड यूजर्स का, आप सिक्योरिटी एंड यूजर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, ऑथेंटिकेशन के बगल ज्वाइन डोमेन का ऑप्शन है, आप सेलेक्ट करेंगे ज्वाइन डोमेन और यहाँ पे आप अपने डोमेन का नाम या उसकी आईपी एड्रेस को मेंशन कर देंगे। तो अपना जो डोमेन नेम है वो india.com है, हमने मेंशन कर दिया, जो भी यूजर है यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं क्रेडेंशियल के लिए, ठीक है। यहाँ पे आपको अपने डोमेन मशीन का आईपी एड्रेस सॉरी नेम देना है और उसका क्रेडेंशियल प्रोवाइड करना है, ज्वाइन डोमेन पे क्लिक करेंगे। ओके इट्स रनिंग, नाउ वी सक्सेसफुली कनेक्टेड विद डोमेन और ये आपका देखो डोमेन जो है india.com के नाम से आपका हाईलाइट हो गया है। अब यूजर्स की बात करें तो यहाँ पे अपने पास एग्जिस्टिंग यूजर अवेलेबल हैं, आप चाहो तो मल्टीपल यूजर्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो गाइज ये अपने पास मेथड हुआ, ये नेक्स्ट मेथड हुआ कि आप अपने डोमेन को एग्जिस्टिंग जो सर्वर 2012 पे आपने डोमेन कॉन्फ़िगर कर रखा है उस डोमेन को अपने ESXi से कनेक्ट करके उसके नेम को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो गाइज ये स्टेप हुआ डोमेन ज्वाइन कराने का। नेक्स्ट स्टेप में हम आपको डिस्क्राइब करने वाले हैं रोल्स के बारे में, यूजर्स के बारे में और सर्टिफिकेट, जो वन ऑफ इंपॉर्टेंट थिंग्स है कि सर्टिफिकेट आप कैसे अपलोड करते हो। आप यहाँ पे देख रहे हो गाइज यहाँ पे नॉट सिक्योर आ रहा है क्योंकि अपने पास कोई सर्टिफिकेट हमने अपलोड नहीं किया है इस ESXi को एक्सेस करने के लिए वेब क्लाइंट के थ्रू। तो हम एक सर्टिफिकेट क्रिएट करेंगे या डाउनलोड करेंगे कहीं से और उस सर्टिफिकेट को अपलोड करके देखेंगे। तो गाइज अभी के लिए इतना, आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, डोमेन क्यों ज्वाइन किया जाता है या डोमेन ज्वाइन करने के क्या क्या बेनिफिट होते हैं, उसके स्टेप क्या होते हैं। तो यहाँ तक की वीडियो क्लियर हो तो सो गाइज आप कमेंट में ड्रॉप कर देना अगर आपका कोई क्वेश्चन या डाउट हो, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और डिस्क्राइब करने वाले हैं अबाउट द डोमेन कंट्रोलर एंड यूजर एंड सर्टिफिकेट। सो टेक केयर एंड बाय बाय गाइज।